अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है और आज के लेक्चर का जो बेसिक टॉपिक है वो है स्वॉट एनालिसिस। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर आपने पढ़ी है या अगर आप फेमिलियर हैं स्वॉट एनालिसिस से, सो फिर आई एम श्योर कि आप लोग स्वॉट एनालिसिस से भी फेमिलियर होंगे अगर बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं तो। लेकिन इफ़ यू नॉट फेमिलियर विद दैट, सो इस शॉर्ट वीडियो से आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाएगी। और एक और पर्पज़ आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का वो ये भी है कि स्वॉट एनालिसिस यूजली ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस जो हैं वो अपने प्लान्स को मज़ीद फ्लरिश या प्रमोट करने के लिए कंडक्ट करते हैं इस टाइप के एनालिसिस को। लेकिन आई थिंक कि स्वॉट एनालिसिस हम पर्सनल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे हम इसे एकेडमिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी क्लासरूम प्रैक्टिसेस में स्वॉट एनालिसिस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस एनालिसिस को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने ट्रेनीज के साथ हम यूजुअली ये काम या इस चीज़ को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और करवा सकते हैं इस प्रैक्टिस को। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले तो हम ये जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस है क्या एंड हाउ डू वी डिफाइन दैट, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हम किस तरह से इसे क्लासरूम में हम इसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो basically SWOT analysis is a unique technique, it's a unique strategy that enables an individual, a group or an organization to understand their strengths, their weaknesses and their opportunities and the threats that they might face. Now the thing is, and jo point samajhne ke hai wo ye hai ki strengths and weaknesses kya hai, ye aapke apne personal capacity ya aapke apne internal environment mein maujood factors hain jo jisme aapko lagta hai ki आप काबिल हैं, और वो वीकनेसेस जिसको आपको लगता है कि आप उसमें बेहतर नहीं हैं या आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये वो फैक्टर्स हैं। वेयर एज अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स क्या, ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद वो चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर जिसको आपको काउंटर या फेस करने की ज़रूरत है। नाउ SWOT analysis basically, what does it stand for? These four initials mean strengths, weaknesses, opportunities and threats. इन चारों को जब हम मिलाते हैं तो इनके initials बना के हम SWOT कहते हैं, या SWOT analysis जिसे हम कहते हैं। इसका मकसद या purpose क्या है? Sorry. SWOT analysis is basically used to identify critical issues that can help you in examining your weaknesses and your threats, and it basically helps you in exploring your strengths and also the opportunities and also the threats that you can face. Now the point is ke हमें क्यों ज़रूरत है अपने strengths और weaknesses को या अपने opportunities या threats को explore करने की, और इसका सबसे बेसिक जो आंसर है वो यही है कि हम वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स या अपने अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स को यूजुअली नहीं आइडेंटिफाई करते, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में इंस्पेक्ट नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। तो इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर है। और अगर हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दैट, तो हम बहुत कोशिश कर सकते हैं कि इन चीज़ों में मज़ीद बेहतर हों या अपने गोल तक हम पहुँच सकें और हमारा रास्ता जो है वो क्लियर या आसान हो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को अचीव करते जाएं या फिर इन सब चीज़ों को नेविगेट करते जाएं या एक्सप्लोर करते जाएं। अनदर पॉइंट इज दैट SWOT एनालिसिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल विच इज़ यूज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ये आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ से डर लगता है या आपको किस चीज़ के आपके लिए वो थ्रेट है या आपको किस चीज़ में आप वीक हैं, जिस चीज़ को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वो कौन सी स्ट्रेंथ्स है या कौन सी अच्छी बात है जो आप मज़ीद उसमें बेहतरी ला सकते हैं, या आपके पास एक प्लस पॉइंट है और उससे रिलेटेड वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मज़ीद इस प्लस पॉइंट को डबल प्लस पॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, सो इन सब को जानने की बहुत ज़रूरत है। यूजुअली हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, विच इज़ आई थिंक नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो अभी आपने क्लासरूम में प्रैक्टिस कैसे करवाना है, लेट्स सपोज अगर आपका फर्स्ट डे आपकी क्लास में, ठीक है, और ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, आप स्टूडेंट्स को जानेंगे, स्टूडेंट्स आपको जानेंगे, सो SWOT एनालिसिस आप तब करवा सकते हैं जिससे उनको भी पता चले कि आखिर वो किस चीज़ में बेहतर है, किस चीज़ में अच्छे हैं, वो क्या चीज़ है जिसमें वो थोड़े वीक हैं, और वो क्या चीज़ है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो क्या फैक्टर्स हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, या वो क्या थ्रेट्स हैं जो वो फेयर करते हैं या फिर जिनसे उनको डर लगता है और जिनको उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। सो अगर आप ये कोई वर्कशॉप में कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग है या क्लास है आपकी, तो आप इसको कैसे करवाएंगे? सो फॉर दैट यू नीड टू
आस्क हिम टू टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन और आपने ड्रॉ करवाना है उनसे एक परपेंडिकुलर जैसे आपको इसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है और हर एक जो सेक्शन है या एक जो स्लॉट है यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रेंथ लिखवाने हैं, दूसरे कॉलम में आपने वीकनेस लिखवानी है, उसी के स्ट्रेंथ के नीचे आप लिखवाएंगे अपॉर्चुनिटीज और वीकनेसेस के नीचे आप लिखवाएंगे थ्रेट्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बंदे के अपने पर्सनल ट्रेट्स हैं या उसके अपने पर्सनल कैपेबिलिटीज हैं, वेयर एज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो हैं वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद वो फैक्टर्स हैं जो इन स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को मजीद डिवेलप कर सकते हैं या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, स्टूडेंट अगर आप उसको कहते हैं कि आपने 3 से 4 अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है या फिर ज़्यादा लिखवा सकते हैं जितनी आपको मर्जी आपका दिल करे, तो स्ट्रेंथ्स वो स्टूडेंट क्या लिख सकता है? मे बी वो स्टूडेंट कहे कि आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, या फिर वो ये कहे कि आई एम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, या मुझ में डिजिटल लिटरेसी बहुत है और मैं कंप्यूटर्स को और इन सब चीज़ों को समझता हूँ। सो ये सारे उसके स्ट्रेंथ्स होंगे जो वो यहाँ पे जॉट डाउन करेगा, जो वो मजीद डेवलप कर सकता है, उसे इनहेंस या इम्प्रूव कर सकता है। अब उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके इन्वायरमेंट में जो वो यूज़ करे या उसे एक्सप्लॉयट करे। लेट्स सपोज अगर तो वो कंप्यूटर लिटरेट है तो क्या पता वो मजीद कोई कोर्सेस करना चाह रहा हो जिससे वो मजीद उस चीज़ को इम्प्रूव करे। अगर तो वो अच्छा है कम्युनिकेशन में तो वो कोई क्लासेस लेना चाह रहा हो, कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहा हो, या कोई भी एक्स वाई जी अपॉर्चुनिटीज जो उसको लगता है कि आज से कुछ साल बाद उसे मिलनी चाहिए या फिर वो इस मुकाम पे इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ पे जॉट डाउन करेगा। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट वीकनेसेस, सो स्टूडेंट्स इसमें लिख सकते हैं कि मे बी वो एग्रेसिव हैं और मे बी वो इम्पल्सिव है या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है। सो ये सारे वो वीकनेसेस हैं जिसको उनको अपनी लाइफ से रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है, हटाना है। अब वीकनेसेस के नीचे आपने लिखवाने हैं उनसे थ्रेट्स। वो थ्रेट्स वो चीज़ें जो उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और उनको उन चीज़ों को टैकल करना है या काउंटर करना है या फेस करना है। लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट ये लिखता है कि उसकी वीकनेस है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या उसका सेल्फ स्टीम थोड़ा लो है, तो वो थ्रेट्स में क्या लिख सकते हैं? वो थ्रेट में ये लिख सकते हैं कि उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है या फिर वो ऑडियंस के सामने बोल नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लाइकवाइज अगर कोई स्टूडेंट अपनी वीकनेस ये लिखता है कि वो एक फास्ट या एक क्विक लर्नर नहीं है या वो फोकस नहीं कर पाता काम पे, तो थ्रेट उसका ये हो सकता है कि वो क्लास कॉम्पिटिशन से डरता हो या वो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर सकता या फिर वो कॉम्पिटेटिव नहीं है एक्स वाई सी। इसी तरह के उसको लगता है कि वो फोकस नहीं कर पाता, तो थ्रेट उसका ये हो सकता है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी वजह से वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर सकता। नाउ ये सब चीज़ें लिखवाने का मकसद ये है कि उनके पास ये सब चीज़ें मैप आउट हो और एक मैप उनके सामने बना हो कि वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो वो डिवेलप कर सकते हैं और वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो एक्सप्लॉयट और यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दियर स्ट्रैटेजीज। वेयर एज अगर वो वीकनेसेस की बात करें तो वो कौन सी वीकनेसेस हैं जो उनको रिमूव करनी है और वो कौन से थ्रेट्स हैं जिनको उनको काउंटर करना है, टैकल करना है, फेस करना है इन ऑर्डर टू रिमूव दोज वीकनेसेस एंड इन ऑर्डर टू डिवेलप दियर स्ट्रेंथ्स। तो ये सब लिखवाने का मकसद अगेन एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक है, एक इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे करवा सकते हैं। ये खाली ऑर्गेनाइजेशंस तक हम लिमिटेड नहीं रख सकते, ठीक है। सो आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर। सो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।